क्रिएटिव टाइम। क्रिएटिव टाइम में आज हम करेंगे फ्लैग। तो इसके लिए हमें ड्राइंग बुक चाहिए, कलर, पेंसिल, स्केल, स्केच पेन और वाटर कलर। आज हम इंडेक्स फिंगर से अपनी फिंगरप्रिंट करेंगे। ओके, उसमें कौन से कलर होते हैं फ्लैग में? सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। तो हम पहले करेंगे सैफ्रॉन कलर। इसे हमें डीप करके अपने इंडेक्स फिंगर से ऐसे प्रिंट करनी है। ऐसे हमें सैफ्रन कलर में अपने फिंगर डीप करके कलर करना है। आपको मम्मी या ब्रदर या सिस्टर की हेल्प लेके ऐसे कलर करना है। आपको कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं और ऐसे वाटर कलर में ऐसे डीप करके फिंगर से प्रिंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ओके, देखो ये हमारा हो गया सैफ्रन कलर। अब हम करेंगे व्हाइट कलर। इसे हम व्हाइट कलर करेंगे। इसे हमें ड्राई होने देना है, उसके बाद ही बंद करना है। ये गीला होता है ना पानी वाला, इसलिए इसे ड्राई होने देना है। ये हमने कौन सा कलर किया? व्हाइट। यस, ये बीच में अशोक चक्र है, वहां पे हमें कलर करना नहीं है, व्हाइट कलर उसमें नहीं करना है। यहाँ पे हम व्हाइट कलर के फिंगर से करेंगे। ओके, अब हम करेंगे ग्रीन कलर। ऐसे आपको अपनी फिंगर्स लेके कलर पे डीप करना है और फिर इसे प्रिंट करना है। ये हमारा क्या है? फ्लैग। हमारा नेशनल फ्लैग है। क्या है ये? नेशनल फ्लैग। इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो हमारा सैफ्रन, व्हाइट और ग्रीन कलर हो गया। अब हम करेंगे उसको ड्राई होने देंगे, फिर उसमें हम क्रेयॉन से उसकी जो टिक है ना ये वाली, उसमें ब्राउन कलर करेंगे ऐसे।
उसका कलर कर देंगे। पहले हमने बॉर्डर किया, फिर इसके बीच में हमने फिल कर दिया। ऐसे हमें कलर करना है क्रेयॉन से। आपके पास ऐसे वॉटर कलर है तो आप वॉटर कलर से भी कर सकते हो या फिर क्रेयॉन से कर सकते हो, ओके, या स्केच पे। लेकिन ज्यादा क्रेयॉन से करते हैं, छोटे बच्चे हैं ना इसलिए। अब हम करेंगे ब्लू को कलर का अशोक चक्र। ऐसे हम ब्लू कलर करेंगे। उसमें बीच में कितनी लाइन होती है? 24। ये हमने बीच में जो किया है ना लाइन, वो 24 किया है। कितनी? अशोक चक्र में बीच में जो लाइन होती है वो 24 लाइन होती है, तो मैंने भी इसमें 24 लाइन किया है। तो ये हमारा फ्लैग रेडी हो गया। कैसा लग रहा है? आपको पसंद आया ना? यार, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आई लव माई इंडिया। यस, आई लव माई इंडिया। आई लव माई इंडिया। ओके, बाय किड्स।